सो देख सकते हैं हम अभी जो ब्रिज है बहरीन का, उसके ऊपर ही है, सो क्रॉस कर रहे हैं बहरीन का जो बहुत लंबा ब्रिज है सऊदी और बहरीन के दरमियान में, जो एक वाया रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। तो पेमेंट देनी पड़ेगी, बेशक आप वो खुशी खुशी दें या फोर्स फोर्स दें। ई वीज़ा रिक्वायर्ड है यूएई के लिए, सऊदी के लिए आई डोंट नो, मैं यूएई की बताऊं, क्योंकि हमारे पास यूएई का रेजिडेंस है। तो हम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो राइट नो हम यहाँ पे हैं सऊदी अरब, रियाद से हम जा रहे हैं बहरीन की तरफ से सऊदी अरब। सो ये प्यारे मुबीन भाई, इनके पास स्टे था हमारा। यार क्या हुआ है, क्यों आप कैमरे से भाग रहे हो, वजह क्या है? बाद में बहुत याद आएगी मेरी और वो लोग देख के हंसना। सो इनके पास स्टे था हमारा, ये कजन है अदनान भाई की, अदनान भाई जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो अंदर बैठ चुके हैं आएंगे। सो यार बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ, याद में बहुत इंजॉय किया, लगाया 2-3 दिन यहाँ पे स्टे था। सो राइट नाउ बहरीन की तरफ निकल रहे हैं। सो भाइयों फिर बहरीन चलोगे हमारे साथ? बहरीन वाली साइड निकल रहे हैं अभी। सो बाकी क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? अली अबू बकर प्लेस है, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था, घुमाते रहे रात को, घूमते रहे रियाज टावर वगैरह सिटी वगैरह। अच्छी, सो अभी इंतजार किया जा रहा है 2-3 बंदे उनसे मिलके, सीधा बहरीन वाली साइड निकल रहे हैं। सो ब्रदर्स दुआओं में याद किया करें, सफर हमारा अच्छा गुजरे। व्यूअर्स देख सकते हैं हमारे प्यारे भाई जाहिद भाई, जाहिद भाई लव यू यार, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ किया, लव यू यार, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सून, टेक केयर, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सब इज एक्साइटेड, सो वी आर राइट नाउ गोइंग इन बहरीन साइड, सो वन मोर जीसीसी का नाम लेके हम निकल रहे हैं बहरीन वाली साइड। अल्लाह पाक हमारा सफर बहुत आसान करे, इजी। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. So, guys, अभी हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। सो अभी रियाज से बाहर ही निकले, सो सीधा बहरीन वाली साइड जाना है। अदनान भाई बहरीन कितना किलोमीटर है यहाँ से? 428 रह चुका है, आराम से चिल करते हुए। सो दुआ आप भी करें हमारे सफ़र के लिए, जब भी व्लॉग देखें, क्योंकि सफ़र तो एक नहीं है, सफ़र हमारे बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक आराम से कामयाबी, आराम से मंजिल अपने तक पहुँचाए। सो आज का वेदर बहुत ही गर्म है, आउटसाइड अंदर बैठे हैं चिल कर रहे हैं, बाकी अदनान भाई ड्राइव कर रहे हैं और मैं व्लॉग बना और आउटसाइड आपको दिखा रहे हैं। ये चीज़ है, ये मंजर है, पास पूरी आपको बताया कि सहरा और रेगिस्तान वगैरह यही चीज़ें हैं सऊदीया में ज़्यादातर। तो खुली रोडें, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल वगैरह सब कुछ भर लिया है। सो अपने ऑन द वे हैं, सो आपको दिखाते जाएंगे रास्ते में जो जो मंजर आएंगे, सो आपने एंजॉय करना है चाहते हैं। स्टिल ऑन द वे हैं, दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हैं एंट्री करने में। बहरीन नियर दमाम, दमाम जो सिटी है इनका, उनके उसके नज़दीक है बॉर्डर, उसको शेयर करते हैं काफ़ी, कतर का भी लगता है और बहरीन का भी लगता है, यूएई का भी लगता है। सो हम अभी जा रहे हैं बहरीन और अदनान भाई ड्राइव कर रहे हैं। हिम्मत है अदनान भाई, एक हफ्ते से स्टिल ड्राइव कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज बिलीव करें, इस पूरे सहरा में हमें बड़ी मुश्किल से एक पंप मिला है। सो हम कुछ चीज़ें वगैरह परचेज की हैं खरीदने खाने के लिए, भूख प्यास बहुत लग गई थी। अभी 150 किलोमीटर रह चुका है दमाम, सो दमाम के पास ही है, नज़दीक ही है, किलोमीटर आउटसाइड देख सकते हैं भाई, रोड एंड भाई परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ से अभी निकलेंगे बाहर, वो सारा आप इसे देख सकते हैं, अनबिलीवेबल। सो गाइज हमारे तवील सफ़र का एक खाने का बंदोबस्त हो चुका है, जो कि रास्ते में हम खाते जाएंगे। कोक्स हैं और ये चीज़ क्या बोलते हैं अदनान भाई, इसको बोलते हैं नमकीन, आई डोंट नो। चलती हुई गाड़ी में बिस्किट और दाल और साथ में डाइट वाली 7-Up है, और अदनान भाई लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। वाह अदनान भाई सामने ड्राइव भी चल, और सऊदी की रोड्स
बाकी आप देख सकते हैं आपको भी भूख लगी होगी, चाहे आपके नज़दीक जो भी स्टोर है परचेज करें, खाएं, हम खा रहे हैं, बाद में बात करें। व्यूअर्स, अभी हम दमाम की हदूद के अंदर आ चुके हैं, एंटर होने वाले हैं ये चेक पोस्ट वगैरह, और ये फौजी पुलिस है, क्रॉस करते सीधे आगे जा रहे हैं हम। सो व्यूअर्स, राइट नो हम दमाम में एंटर हो चुके हैं, दमाम लेफ्ट साइड पे, अभी बहरीन की तरफ ये सीधा बहरीन हम जा रहे हैं। पर नहीं, ये सऊदी से हम जा रहे हैं सीधा बहरीन वाली। भाई इस साइड जो भी आएगा क्रेडिट कार्ड लेके आना, कैश नहीं चलती। जब भी क्रॉस करोगे ये ब्रिज वो पेमेंट देनी पड़ेगी, बेशक आप वो खुशी खुशी दें या फोर्स फोर्स दें पहनेंगे आपसे। सो देख सकते हैं हम अभी जो ब्रिज है बहरीन का उसके ऊपर ही हैं, सो क्रॉस कर रहे हैं बहरीन का जो बहुत लंबा ब्रिज है सऊदी और बहरीन के दरमियान में, जो एक वाया रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं ये ब्रिज है। फर्स्ट टाइम है हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, ब्रिज जो ही क्रॉस होगा आगे हमारी चेक इन होगी बहरीन के अंदर। सो वीज़ाज़ वगैरह चेक होंगे, सब चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद एंट्री मिलेगी हमारे पासपोर्ट पे। सो राइट इधर के बीचों बीच हैं जो कि हमें महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा आसपास। अभी हम इन हो चुके हैं, अभी भी कुछ आगे प्रोसेस रहता है। सो वगैरह आई थिंक मिल गई हमें, तो अभी देखें आगे रोकते हैं कि नहीं। वीज़ाज वगैरह नहीं चेक किए इन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन इनके पास सारा डाटा होता है हमारा। व्यूअर्स, हम बहरीन के अंदर एंटर हो चुके हैं, सब कुछ प्रोसेस हो गया। अदनान भाई बता दीजिए, गाड़ी अगर बंदा अपनी सेल्फ गाड़ी पे किसी कन्वेंस पे आ रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या चेक किया इन्होंने? तुम्हारा ये जो गाड़ी का मुल्क है ये चेक करते हैं, ठीक है, और आपका यूएई का या सऊदी का आईडी कार्ड था और कुछ नहीं, और वीज़ा ई वीज़ा ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। बोलते नहीं है कि तो उनको पासपोर्ट पे, हाँ वो स्वाइप करते तो वहाँ आ जाता है सारा कुछ डाटा। ई वीज़ा रिक्वायर्ड है यूएई के लिए, सऊदी के लिए आई डोंट नो, मैं यूएई की बताई, क्योंकि हमारे पास यूएई का रेजिडेंस है, तो हमें ई वीज़ा ऑलरेडी मिल ले लिया था हमने ऑनलाइन। सो उन्होंने चेक भी नहीं किया, ओनली जस्ट स्वाइप किया, वहाँ पे डाटा आ जाता है, हाँ भाई इस बंदे ने ई वीज़ा लिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। और अब पीछे से स्टार्ट है, कैसा बहरीन का अपना एक बहुत प्यारा मंजर नज़र आ रहा है, अभी अंदर जाएंगे देखेंगे बहरीन के अंदर। अभी हम बहरीन इंटर हो गए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया इमिग्रेशन, कुछ क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा, बहुत जल्दी। इवन ओमान में आपको टाइम लगेगा, बहरीन में कुछ भी टाइम लगता, 10 दिन एंट्री करते हैं। सो बहुत स्मूथली हुआ है सारा कुछ, 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगे, ना गाड़ी से उतरे ना कुछ, गाड़ी को भी चेक कर लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया उन्होंने। सो इमिग्रेशन क्लियर हो गई, अभी बहरीन के अंदर इंटर हो चुके हैं, अभी देखते हैं कौन कौन सी प्लेसेस वगैरह हैं। बहुत प्यारा है इनका स्ट्रक्चर वगैरह, बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है बहरीन, क्योंकि एंट्रेंस से ही पता लगता है ग्रीनरी है, प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत प्यारा। Ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just surprised it's you. Yeah.
lessons come one in a dozen, the other 11. सो व्यूअर्स, राइट नो हम ड्रैगन मार्ट आए हैं बहरीन के ड्रैगन मार्ट, कुछ काम था, काम के सिलसिले में आए हैं। सो साथ ही इस व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है। सो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।